हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोकर टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 5530 गाड़ी है, जिसमें ड्राइवर का ये कहना है कि मेरी गाड़ी में चेक लैंप आ रहा है और गाड़ी यूरिया नहीं खा रही है। तो चलिए गाड़ी के पास चलते हैं और लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं उसमें हमारे क्या फाल कोड आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, वीडियो बहुत ही अच्छी बनने वाली है, इसे गौर से बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना करके बिना स्किप करे ध्यान से वीडियो देखेंगे, बहुत काम की वीडियो है। तो चलिए देर ना करते हुए हम गाड़ी के पास चलते हैं, देखते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। चलिए गाड़ी के साथ हमने लैपटॉप कनेक्ट करके और ये फाल कोड खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या फाल कोड है। पहला फाल कोड जो हमें देखने को मिल रहा है 7325 है और एक्टिव में है, दो बार काउंट है। और दूसरा, ये जो फाल कोड तो डिलेट मोड बोलते हैं ना, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फाल यूरिया संबंधित फाल कोड के साथ में ये फाल कोड देखने को मिलते ही हैं। 0555 एक बार है, 5655 ये तो सल्फर की मात्रा की ज़्यादा की वजह से आ जाता है डीजल में, और ये 3575 62 बार इनएक्टिव में, ये भी हमारा यूरिया संबंधित है। तो हमें ये दो फाल कोडों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कौन से फाल कोड पर काम करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले टाइम चेक करते हैं। तो हमने प्लस के निशान पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर इंजन हॉर्स देखते हैं, तो ये हमें 4843 घंटे दिखा रहा है। तो ठीक है, चलिए और ये फाल कोड देखते हैं कब आया था। ये भी हमें 4843 घंटे और ये 14 मिनट पे आया है, और ये कितने पे आया है, ये 11 मिनट पे आया। तो मतलब हमारा ये फाल कोड पहले आया और ये वाला फाल कोड बाद में आया। तो हम पहले इसी को ही खोल के देखते हैं कि हमें क्या बता रहा है। तो जब हमने इस पर डबल क्लिक करा तो आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एग्जॉस्ट डोजिंग यूनिट रनिंग एरेटिक, इसका कहने का मतलब है जो हमारी यूरिया की मोटर है वो चल तो रही है, रनिंग तो कर रही है, लेकिन वो सही प्रकार से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से हमें ये फाल कोड देखने को मिला। इस फाल कोड में हमें ये तो मालूम पड़ रहा है कि हमारी मोटर चल रही है लेकिन सही नहीं चल रही है। उसके लिए हम इस फाल कोड को एक बार खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या बताता है। द डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड डोजिंग वाल डिटेक्ट ए ब्लॉक इन द डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड रिटर्न फ्लो। तो इस फाल कोड में ये कहा जा रहा है कि जो हमारा डोजिंग वाल है, जिसे हम यूरिया इंजेक्टर भी बोलते हैं, उसका जो रिटर्न का पाइप है वो चौक हो रहा है, जिसकी वजह से ये फाल कोड आया। तो अब हमें ये तो मालूम पड़ गया है कि इस फाल कोड से कि हमारा जो रिटर्न पाइप है वो हमारा चौक हो रहा है, इसी वजह से हमारे दोनों ये फाल कोड आए हैं। तो चलिए एक बार हम इस चीज़ को और कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा रिटर्न पाइप चौक होगा तो जाहिर सी बात है हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा। तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो ये जो फाल कोड है इसके हम प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और हम देखते हैं हमारा जो डोजर का प्रेशर है वो कितना गया जब ये फाल कोड आया। तो ये देखिए डीजल का एग्जैक्ट फ्लूड प्रेशर है, ये हमारा 1005 से लेके 52 से लेके 1055 kPa तक गया है, और जबकि यह हमारा होता 850 kPa बार तक होना चाहिए। तो मतलब ज़्यादा गया है। एक बार हम इस फाल कोड में भी देख लेते हैं कि हमारा जब ये फाल कोड आया था उस टाइम प्रेशर कितना गया है। तो ये देखिए ये हमारा फ्लूड प्रेशर हो गया है, और ये 1101 से लेके और 1111 बार तक kPa बार तक प्रेशर गया है। तो अब हमें ये क्लियर मालूम पड़ गया कि हमारा प्रेशर बढ़ने की वजह से ही हमारा ये दोनों फाल कोड आए हैं। ये 2573 फाल कोड इसलिए आया है क्योंकि अगर हमारे रिटर्न वाल चौक हो, रिटर्न पाइप चौक हो गया तो मोटर पे दबाव पड़ेगा, वो सही तरीके से घूमेगी नहीं। तो चलिए गाड़ी पे चलते। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी हमने फाल कोडों को देखा है और उस फाल कोडों में हमें दो फाल कोड देखने को मिले, एक हमारा था 7325 फाल कोड और दूसरा हमारा था 3575 फाल कोड। तो टाइम के हिसाब से जो हमने देखा है वो आ रहा है 7325 फाल कोड।
उस फालकोड में हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी जो यूरिया की मोटर है वो चल तो रही है लेकिन वो सही तरीके से नहीं घूम रही है, जिसकी वजह से हमें ये फालकोड देखने को मिला। अब इस फालकोड में हमें ये मालूम तो पड़ गया है कि हमारी मोटर तो चल रही है लेकिन वो सही नहीं चल रही है। सही नहीं चलने का क्या कारण है? तो उस फालकोड को छोड़ के जब हमने दूसरा फालकोड देखा उसमें हमें ये बताया गया कि जो हमारे डोजर यूनिट होता है, डोजर वाल होता है जिसे हम यूरिया इंजेक्टर भी बोलते हैं, उसका जो रिटर्न पाइप है वो चौक हो रहा है। तो मोटर जैसे ही यूरिया उठा के और हमारे नोजल को दे रही है, जितना हमारा स्प्रे होना है उतना हो जाएगा, बाकी बचा हुआ वो नोजल में से रिटर्न हमारे टैंक में जाना चाहिए और वो पाइप बीच में कहीं चौक है, जिसकी वजह से हमारा टैंक में प्रेस हमारा रिटर्न यूरिया नहीं जा पा रहा। अब हो क्या रहा है, यहाँ से तो मोटर ने तो यूरिया उठाया और नोजल को दिया, नोजल को जितना स्प्रे करना था उसने कर दिया और वो बाकी का जो बचा हुआ है वो उस पाइपलाइन से टैंक में जाना चाहिए, और जबकि वो चौक होने की वजह से वो वहीं पे ही दबाव बना रहा है। अब यहाँ से मोटर तो दबाव दे रही है यूरिया डाल के देने के लिए लेकिन हमारा रिटर्न टैंक में जा नहीं रहा, तो वो वहीं पर ब्लॉक हो रहा है और मोटर यहाँ से दबाव डाल रही है। जब कोई किसी भी मोटर से हम दबाव डलवाएंगे अगर आगे फ्लो नहीं होगा तो वो दबाव वहीं बनेगा, मोटर पूरा घूम नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हमें 7325 फालकोड देखने में आएगा। तो 7325 फालकोड कई बार हमें जो यूरिया के फिल्टर होते हैं वो चौक होते हैं तो भी आते हैं, उनमें भी यही प्रॉब्लम है। अगर यूरिया के फिल्टर हमारे चौक हो जाएंगे तो उसमें भी वही है, जब यूरिया मोटर उठा यूरिया की जो मोटर है वो यूरिया उठाएगा और आगे देने की कोशिश करेगी, फिल्टर चौक रहेगा, वो आगे जाने नहीं देगा, तो इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, तो इस दबाव में यानी यूरिया की मोटर जब पूरा घूम नहीं पाएगी, कोशिश कर रही है घूमने की लेकिन दबाव की वजह से घूम नहीं पाएगी, तो इस वजह से 7325 फालकोड आता है। तो मेन हमें जो फाल काम करना पड़ेगा वो हमें 3575 फालकोड पे काम करना पड़ेगा कि हमारा जो यूरिया वाला रिटर्न पाइप है वो हमें चेक करना पड़ेगा, वो हमें चौक लग रहा है। तो चलिए गाड़ी के पास चलते हैं और हम देखते हैं पाइप को खोल के कि हमें चौके कहाँ पर मिलता है। उससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम लीकेज टेस्ट करवाते हैं और उसमें एक बार लाइव डाटा में देखते हैं कि हमारा जो यूरिया का प्रेशर है एक्चुअली में अब भी कितना जा रहा है, तो उसके बाद हम फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि हमें किस प्रकार से गाड़ी को चेक करना है। तो चलिए अब हम एक बार ना टेस्ट कर लेते हैं, लीकेज टेस्ट में हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा प्रेशर कितना जा रहा है। तो जो फर्स्ट वाला ही टेस्ट होता है इस पर क्लिक करके हम स्टार्ट करेंगे और ये हमने स्टार्ट कर दिया और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा प्रेशर कितने केपीए तक जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा 1000 केपीए से 1050 बढ़ता हुआ जा रहा है, जबकि ये 850 केपीए के आसपास रहना चाहिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1100, 1125। तो प्रेशर यानी कुल मिला के ज़्यादा बन ही रहा है। चलिए हम एक बार एक काम और करते हैं, थोड़ी देर इसको देख लेते हैं और उसके बाद में हम एक बार डोजिंग करवा के भी देखते हैं कि हमारी डोजिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए एक बार इसको हम क्लोज करते हैं और इसको बंद करके एक बार हम वापसी हमारा डायग्नोस्टिक टूल खोल लेते हैं और अब हम एक बार डोजिंग करवा के देखते हैं कि क्या हमारी डोजिंग भी चालू हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हमने चालू कर लिया है और ये नोजल खोलने के लिए कह रहा है, वो हमने खोल ली है नोजल, तो इस पर राइट क्लिक करके और डोजिंग चालू करवाते हैं। देखिए हमारा प्रेशर बढ़ रहा है और जहाँ भी अगर आप देखेंगे तो हमारे 850 से ऊपर ही जा रहा है, 1000 तक चला गया और हमारी डोजिंग चालू नहीं हुई है, जबकि हमारी 850 के प्रेशर जाने के बाद डोजिंग चालू हो जानी चाहिए थी। ये ओवर प्रेशर जा रहा है इसलिए हमारी डोजिंग भी चालू नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो हमारा जो लेवल सेंसर है इसके यहाँ से रिटर्न पाइप निकाल के देखते हैं हमारा यहाँ पर रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार हम वो चेक करेंगे। लो भैया निकालो इसको।
अगर आपको इसमें पाइप पहचाननी हो तो कौन सा रिटर्न का है, तो ये जो आप छोटा मुंह देख रहे हैं ना पाइप, अगर गौर से देखेंगे तो हमारा पतले वाला पाइप रिटर्न का होता है और मोटे वाला पाइप जो होता है वो हमारा मेन होता है जो मोटर पे जाता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं ये मुंह बड़ा है होता है और ये छोटा है। तो चलिए अब हम एक बार लीकेज टेस्ट करवाते हैं और देखते हैं हमारे यहाँ रिटर्न आता है या नहीं आता। तो भैया चालू करो, हमारे साथी हैं जो, उनसे हम एक बार चालू करवाते हैं लीकेज टेस्ट और फिर हम देखेंगे यहाँ पर हमारा रिटर्न यहाँ पर कितना आ रहा है। ये हमने चालू कर दिया, आप मोटर की आवाज़ सुन सकते हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ पर अगर देखें हम तो हमारा रिटर्न बहुत कम आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है हमारा ये पाइप चौक हो, तो हम एक बार वो करते हैं इसको खोल कर इसमें अच्छी तरह से एयर मारते हैं और फिर आगे देखेंगे। ये हमारा इंजेक्टर हो गया, इसके अंदर दो पाइप है, यहाँ भी आपको एक मोटी और पतली दिखाई देगी। और यहाँ पर अगर आप लाल देखेंगे तो ये हमारा मेन है और ये हमारा जो है सफ़ेद वाला, ये हमारा रिटर्न है। तो हम एक बार इसको जहाँ से पाइप को निकाल लेते हैं और फिर इस पाइप में हम अच्छी तरह हवा मारेंगे ताकि ये हमारे जो मालूम पड़ जाए ये चौक तो नहीं हो रही है। उस पाइप में एयर मारने के लिए जो आप ये गियर का वहाँ देख रहे हैं, यहाँ से इस एयर वाले पाइप को निकाल सकते हैं इजीली, ये निकल जाता है और ये बहुत लंबा पाइप होता है। और इसको यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा इसमें पाइप में एयर परमानेंट आता है। इस पाइप को हम वहाँ पर ले जाएंगे हमारे सलेंसर के पास में और वहाँ पर हम उसमें पाइप में यहाँ से हवा मार सकते हैं आराम से। तो आपको इजीली यहाँ से प्रेशर भी मिल जाएगा और पास में भी पाइप होता है और आराम से वहाँ ले जाएंगे तो इसी से हम हवा मार लेंगे। तो पहले वो हम वो पाइप निकाल लेते हैं, उसके बाद ये निकाल के और इसमें एयर मारेंगे। यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारा नोजल में से ही रिटर्न बहुत कम आ रहा है, नहीं तो ये पूरी धार मारनी चाहिए। और यहाँ पर हमारा बहुत ही कम रिटर्न फेंक रहा है। अगर हम पास में देखेंगे तो देखिए बहुत ही कम रिटर्न इसमें से निकल रहा है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है हमारा जो ये जो नोज इंजेक्टर है इसके अंदर ही रिटर्न में कोई प्रॉब्लम है। जी हम नया इंजेक्टर लेके आए हैं और एक बार हम इसे लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा रिटर्न नए में कितना फेंक रहा है। तो चलिए हम इसके वायरिंग कपलर के कनेक्शन भी करेंगे और मेन के कनेक्शन करेंगे और जो हमारे ये रिटर्न है रिटर्न के कनेक्शन ही करेंगे हम। चलिए अब हम एक बार दोबारा ये डायग्नोस्टिक टेस्ट खोल लेते हैं और देखते हैं हमारा अब लीकेज टेस्ट जब करते हैं तो हमारा प्रेशर कहाँ तक जा रहा है। पहले तो हमारा 1100 1150 12 तक जा रहा था, तो इंजेक्टर हमने जब नया लगा दिया तो अब हम देखते हैं हमारा प्रेशर कहाँ तक जाता है। तो इस पर थोड़ा सा नज़र मारते हैं कहाँ तक जा रहा है। 800 850 56 70 तक गया है, अब 850 तक चल रहा है, यानी यहाँ पर अब हमारा प्रेशर रुका हुआ है और ओके है। चलिए अब हम इंजेक्टर के पास चलते हैं और देखते हैं वहाँ से अब हमारा रिटर्न कितना आ रहा है। अभी हमारा प्रेशर आप देख सकते हैं सही चल रहा है और 850 पे ही चल रहा है, हमारा बराबर वहीं पे ही खड़ा है। और चलिए इंजेक्टर पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं अब हमारा रिटर्न वहाँ से कितना फेंक रहा है। आप देख सकते हैं अब हमारा रिटर्न कितना तेज़ फेंक रहा है, उस टाइम बहुत ही धीरे से फेंक रहा था। आप गौर से देखेंगे तो देखिए कितना तेज़ हमारा रिटर्न अब फेंक रहा है। उस टाइम हमने देखा था तो बहुत ही नॉर्मल हमारा रिटर्न आ रहा था। तो फ्रेंड जैसा अभी आपने वीडियो में देखा कि फाल कोड के अकॉर्डिंग जो हमने देखा था कि हमारे जो यूरिया का रिटर्न लाइन में कहीं प्रॉब्लम है, तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करा है आपके सामने वीडियो में, आपने भी देखा कि हमारा जो इंजेक्टर था इंजेक्टर के अंदर जो हमारा रिटर्न होता है उसमें प्रॉब्लम निकली है। तो जब हमने नया इंजेक्टर डाला हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आपने वीडियो में भी देखा है हमारे पुराने इंजेक्टर में कितना रिटर्न आ रहा था और हमने जब नया लगाया है और उसमें कितना रिटर्न आ रहा था। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि नए वाले रिटर्न में अगर हमारा कोई भी इंजेक्टर सही होगा तो उसमें कितना प्रेशर से रिटर्न आना चाहिए।
और कभी भी किसी भी गाड़ी में काम करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि फाल कोड़ों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, समझने हैं। हमें फाल कोड़ों में ही बहुत चीज़ें समझ में आ जाती है। जैसे कि इसी गाड़ी का उदाहरण ले लेते हैं, हमारा जो फाल कोड एक्टिव में आ रहा था उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं मिली है, जो हमारे पास इनएक्टिव फाल कोड था 3575 फाल कोड था उसके अकॉर्डिंग हमने जब काम करना स्टार्ट करा है तो हमें प्रॉब्लम जल्दी मिली है। अक्सर आदमी करते क्या है, लैपटॉप लगाया, फाल कोड को क्लियर कर दिया, इनएक्टिव वाले फाल कोड क्लियर हो गए, लास्ट में हमारा 3575 फाल कोड बच जाता और वो उसी में ही फंसते रहे, तब गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो कभी भी ये ध्यान रखिए, आप लैपटॉप लगाते फाल कोड को क्लियर ना करिए, सारे फाल कोडों को आप चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। जब आपको लगता हो हाँ अब हमारी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उसके बाद में आप फाल कोड को रिफ्रेश कीजिए। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो संबंधित अगर आप चाहते हैं कि मैं यूरिया संबंधित कहाँ से क्या चीज़ कैसे चलती हो और इसके ऊपर और डिटेल में अगर आप वीडियो बनाना देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ।